न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां बच्ची को थप्पड़ मारने की बात से शुरू हुआ विवाद में युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। बीच बचाव में उसका भाई भी घायल हुआ। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। सिविल लाइन थाने के कबाड़ी मोहल्ला निवासी प्रदीप लोनिया की 5 वर्ष की भांजी पड़ोस में ही रहने वाले सुजीत लोनिया के घर में खेलने के लिए गई थी। इस दौरान उसने बच्ची को थप्पड़ मार दिया। रोती हुई बच्ची अपने घर पहुंची और मामा प्रदीप लोनिया को घटना की जानकारी दी। वह अपने भाई के साथ शिकायत लेकर आरोपी के घर गया था, जहां उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जान बचाकर दोनों युवक वहां से भागकर मुख्य सड़क पर आए तो आरोपियों ने पीछा कर वहां चाकू से हमला कर दिया, जिसमें प्रदीप लोनिया गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका भाई सनी लियोनी अभी बीच बचाव में घायल हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को संजय गांधी अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। घटना हुई है ना, दोनों नशा कर रहे हैं। एक थे मेरा भाई ने छोटा वाला, तो मतलब 26 रहता है, पागल टाइप का, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया है। वो जो प्रमोद था वो तो छुड़ाने गया है, तो उसको पगलाइटी दिखा रहा था, चाकू मार दिया। कितने बजे घटना हुई? 10:30 थाने में रिपोर्ट हुई है। हुई है। कौन मारा है? सुजीत। और बस वही एक उसका भाई है संदीप, प्रदीप नाम है, प्रदीप। कितने बजे घटना हुई? क्या नाम है आपका? जय सिंह। ये बताइए, चाकू की घटना हुई है, क्या मामला? चाकू घटना हुई है, छोटी से एक बिटिया खेल रही थी, उसके घर तरफ चली गई है, सुजीत लोनिया उसको मार दिया। हम लोग गए उसको, तो हम लोग को चाकू दिखा कर धमकी दे रहा था, तो हम मार दिए। एक लप्पर तो नशा कर रहे था, तो और दगेत के चाकू मार दिया। कितने बजे घटना हुई? घटना है 10:30 के बीच की है, रात में। कहाँ पर घटना? नेशनल ट्रांसपोर्ट। जी, एक ये अपने कबाड़ी मोहल्ला थाना सिविल लाइन में जो मामले का अपराध क्रमांक है 264/22 धारा 294/307/506/34 का फरियादी है। इसके चचेरे भाई प्रमोद लोनिया की भांजी, जिसका नाम है शिवरन लोनिया, उम्री 5 वर्ष की, ये गई थी उसके यहाँ खेलते खेलते पहुँच गई कहाँ, उसके प्रदीप लोनिया के घर। तो प्रदीप लोनिया जो पहले से जैसा कुछ रंजिश रही हो और उसको झापड़ मारा, तो वो रोते हुए बच्ची जो है यहाँ घर में आके बताई किसको, प्रमोद लोनिया को। तो प्रमोद लोनिया एवं जय सिंह लोनिया जो प्रमोद का चचेरा भाई है, ये गए उसके यहाँ और हम देने प्रदीप लोनिया के यहाँ और एवं उसके भाई सुजीत लोनिया के यहाँ। तो वो जो है उत्तेजित हो गए और माँ बहन की गालियाँ देते हुए जो है बोले तुमको बताते हैं, और उसको छोरा लेकर के दोनों दौड़ा लिए, दोनों को। दोनों दौड़ते हुए जो है यहाँ नेशनल कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट दुकान है, वहाँ पे पहुँचे तो ये सुजीत लोनिया जो है प्रमोद लोनिया को पा गया और पेट में बाएं तरफ छुरा मार दिया। वहीं पे जब गिर गया तो फरियादी जो है जय सिंह लोनिया बीच बचाव करने के लिए उसको नीचे मने हुआ, तो इसके मने हिप्स में पोंद में उसके भी 2-3 छुरा ये प्रदीप लोनिया मार दिया। और जब उसको जो है चोट लगी तो ये जो है फरियादी जय सिंह लोनिया है, क्योंकि बेहोश हो गया था प्रमोद लोनिया चोट पेट में लगने का खून बहने के कारण, फिर उसके बाद में जो है वो किसी तरह गाड़ी के जुगाड़ करके एच में चिड़ी वाला है और करीब 10:40 बजे रात, लेकिन मैंने 11 बजे रात उसको भर्ती कराया और इलाज के दौरान मैंने 12 बजे के बाद में 28/5/22 को करीब 4:15 बजे सुबह इलाज दौरान प्रमोद की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम है प्रमोद लोनिया, पिता चांद लोनिया, उम्र 26 वर्ष, निवासी कबाड़ी मोहल्ला रीवा का। रात की ये 27/5/22 को 10:30 बजे की।